तुम बेटा दलित की बेटी हो, देश की? देश की बेटी। रात रात आपकी सरकार नोटबंदी का आदेश ले आती है, उसके बावजूद भी आप गुहार कर रहे हैं? नहीं, खुल के बोल रहा हूँ तो मेरा समाज जब मुझे कह रहा है तभी तो बोल रहा हूँ। डर नहीं लगता समाज? मेरा डर नहीं लगता, सब लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। नहीं देखो, मैं हूँ अम्बेडकर राइट, मैं किसी से नहीं डरता। पिछले साल एक महिला एक बच्ची के साथ कुछ मामला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी उसको गोदी में बिठा कर बयान दे रहे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस मंच आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस स्थल पर हमारे सारे लोग बुद्धिजीवी सारे लोग यहाँ पर हैं और महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सामंती सोच जो है भारत में वो कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। और जब तक सामंती सोच पर हम चोट नहीं मारेंगे, और उसमें चोट कौन मारेगा, हमारे संविधान की ताकत हमारे साथ में है और हमारे समाज की ताकत है। 2 अप्रैल की घटना इसकी गवाह है कि जब समाज ने आंदोलन चलाया तो पूरे देश के अंदर आग लगी। पार्लियामेंट घेरो, विधानसभाएं घेरो और जो है प्रशासन को जो है इस नाक में दम कर दो कि उन्हें जो है मजबूर जो है होकर और हमारे ऊपर जो है अत्याचार करने जो बंद करें, और नहीं तो फिर एट दी स्पॉट हमें भी ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। हालांकि हाथरस कांड हो, दिल्ली कैंट कांड हो, त्रिलोकपुरी कांड हो, ललितपुर कांड हो, लखनऊ कांड हो, कितने कांड आपको हम बताएं, जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचारों की फेरिस्त लंबी होती जा रही है, समाजसेवी राजनीतिक संगठन तमाम सड़कों पर हैं लेकिन न्याय इस समाज को नहीं मिल रहा है। जालौर की घटना को लेकर आज गाजियाबाद के अंदर एक विरोध प्रदर्शन रखा गया है, कैंडल मार्च इन्होंने किया है और कार्यक्रम में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग वकील डॉक्टर इंजीनियर यहाँ एकत्र हुए हैं। रोज की वजह तो आपको पता है कि एक मासूम बेटी के साथ में रेप होता है, बलात्कार कर दिया जाता है फरीदाबाद में कल में। 6 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है और जब SSP का घेराव किया जाता है तो वो ये कहता है कि मुझे तो इस घटना का पता ही नहीं है। जालौर की घटना में जब 6-7 दिन तक उस बच्चे को लेकर अस्पतालों में घूमते हैं परिवार के लोग और लगभग 1 सप्ताह बाद वो बच्चा दम तोड़ देता है, तब लोगों के अंदर पता चलता है कि हमारे साथ इस तरह की घटना घटित हुई है। आप तो सरकार में हैं और पक्ष भी आपका है, विपक्ष भी आपका है, मैं कुछ और कहने वाला हूँ। रातों रात आपकी सरकार नोटबंदी का आदेश ले आती है, उसके बावजूद भी आप गुहार कर रहे हैं? देखिए ये आंदोलन बिल्कुल दल से रिलेटेड नहीं है। दल से सरकार से तो है, मांग किससे कर रहे हैं? यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूँ, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ। मुझे मेरे समाज की जो पीड़ा है मैं वहाँ पहले मिलता हूँ। मेरे अब तक इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरे राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में मैंने प्रायोरिटी जो है समाज में जहाँ उत्पीड़न अत्याचार हुए मैं वहाँ खड़ा मिलता हूँ। विपक्ष को बोल नहीं दिया जा रहा है लेकिन आप खुलकर बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ तो मेरा समाज जब मुझे कह रहा है तभी तो बोल रहा हूँ। डर नहीं लगता मेरा समाज? डर नहीं लगता, सब लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी? नहीं देखो, मैं हूँ अम्बेडकर राइट, मैं किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ डरता हूँ तो भारत के संविधान में जो शक्तियां हैं उनके खिलाफ मैं कोई काम ना करूं, मैं इसके लिए डरता हूं। क्या कहेंगे जालौर की इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन सरकारें, प्रधानमंत्री जी का अभी तक कोई बयान नहीं आता है? देखिए पिछले साल एक महिला एक बच्ची के साथ कुछ मामला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी उसको गोदी में बिठा कर बयान दे रहे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस मंच आज जो कार्यक्रम हो रहा है इस स्थल पर हमारे सारे लोग बुद्धिजीवी सारे लोग यहाँ पर हैं और महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सामंती सोच जो है भारत में वो कम नहीं हुई है, बढ़ती जा रही है। और जब तक सामंती सोच पे हम चोट नहीं मारेंगे, और उसमें चोट कौन मारेगा, हमारे संविधान की ताकत हमारे साथ में है और हमारे समाज की ताकत है। 2 अप्रैल की घटना इसकी गवाह है कि जब समाज ने आंदोलन चलाया तो पूरे देश के अंदर आग लग गई थी और SC ST कानून में संशोधन करना पड़ा इन्हें और उन्हें लागू करना पड़ा। इसी तरह से हम ये चाहते हैं छोटे छोटे समूह में ना आकर हमें सारे समाज के जितने 80 समाज के लोग हैं उन्हें मिलकर एक आंदोलन, जब भी उत्पीड़न होता है तो उस पर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। पार्लियामेंट घेरो, विधानसभाएं घेरो और जो है प्रशासन को जो है इस नाक में दम कर दो कि उन्हें जो है मजबूर जो है होकर और हमारे ऊपर जो है अत्याचार करने जो बंद करें, और नहीं तो फिर एट दी स्पॉट हमें भी ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। हालांकि हम हिंसा के हिमायती नहीं है, बाबा साहब ने बगैर हिंसा के इतना बड़ा संविधान में दलित विधायक सब चुप्पी साधे बैठे इस मामले पर। देखिए दलित दो तीन इस्तीफा भी दिया। दलित विधायकों की ना कहिए आप, जो पूना पैक्ट हुआ था तो उस पूना पैक्ट में आप समझ जाइए वो दलित विधायक नहीं है, वो विधायक उन्हीं के होते हैं क्योंकि उसमें वोट जो है हमारे समाज का बढ़ जाता है, जिसको उन लोगों का वोट मिलता है वो विधायक बनता। चलिए ये है अशोक संत,
वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय टीम में ये शुमार करते हैं। वकील साहब, इतनी बड़ी घटना हो गई है, सरकारों की निंदा ही चल और ये घटना इकलौती नहीं है। जब से 2014 से सरकार आई है तब से लगातार दलितों के ऊपर इसी तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई मतलब एक रास्ता नहीं निकल कर आ रहा है। देखिए, ये बात सत्य है कि जब से ये सरकार बनी है 2014 से भारतीय जनता पार्टी की, तब से हमारे लोगों पर जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उन लोगों पर घटनाएं बहुत ही दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और इस घटनाओं का हम विरोध भी करते हैं, चाहे अपने सामाजिक संगठनों के माध्यम से, चाहे अपने किसी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से। लेकिन जो इनकी मनवादी मानसिकता है उसका मूत्र जवाब देने के लिए तो हमें किनकी मनवादी मानसिकता स्पष्ट बताइए, दुश्मन कौन है? देखिए, मनवादी लोग जैसे कि अभी ये घटना घटी हमारी जालौर में, राजस्थान में ये घटना घटी, जो अध्यापक था सैलू सिंह वो एक मनवादी था, सर्वज जाति से बिलोंग करता था। बाबा साहब ने जिस संघर्ष के लिए, जिस बात के लिए अपना जीवन नौछावर कर दिया, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी थी जब वो बचपन में स्टडी करते थे। ये तो दुश्मन है, स्वर्ण समाज के तो पहचाने जा रहे हैं, लेकिन हरी घास के सांपों को कैसे पहचानेंगे जो हमारे ही समाज के गद्दार हैं? देखिए, ऐसे घटनाएं और ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा रहते हैं, दोगले लोग रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें गुलामी करने की मानसिकता उनकी रहेगी। सब्बीरपुर कांड हुआ, 2 अप्रैल कांड हुआ, वकीलों ने ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया कि हम इनके मुकदमे फ्री में लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद वकील मुकदमे नहीं लड़ रहे हैं, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, आज तक कोई वकील सब्बीरपुर वाले कांड की बात करते हैं आप लोग तो हमें उसे बताएं, चंद्रशेखर भाई पर कम से कम 26 मुकदमे लॉन्च थे, वह गाजियाबाद के अरबपति बन गए, बाकी के साथी कहां? गाजियाबाद के वकीलों का बाकी के साथी कहां? बाकी के लोग यही दिए हमारे लेवल उपकार बाबरा को, उपकार बाबरा को 2 साल बाद रिहाई मिली। हमारी डिस्ट्रिक्ट की बात होती तो हम गाजियाबाद के वकील फिर भी जाते लोग वहाँ से। हम मुद्दे से भटक रहे हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करिए और जरा हमें बताइए कि इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आगे आइए। हम तो यही चाहते हैं बस कि न्याय मिलना चाहिए उन्हें। किस तरह का न्याय जी? हम जैसा बाबा साहब पहले हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए इसलिए तो लड़ा था कि जातिवाद वगैरह भेदभाव करते थे, अब वही समय फिर वापिस आ रहा है। ऐसे तो बाबा साहब के साथ होता था कि पानी पी लिया तो उन्हें मारा, अब ये इस बच्चे के साथ हुआ है, तो इसी चीज़ के लिए तो न्याय होने चाहिए कि इस चीज़ के लिए ही उनको प्रेरणा। निर्भया के साथ यही कांड होता है, पूरा देश कहता है देश की बेटी, और 6 साल की बेटी के साथ बताओ, लेकिन वो दलित की बेटी, दलित की बेटी थी, इसीलिए तो आवाज नहीं उठती। वही तो बदलाव लाना है, हमें विरोध किसका करना है? हमें दलित और स्वर्ण का विरोध करना है या अपनी बेटियों को देश की बेटी बनाना है? अपनी बेटी को देश, तुम बेटा दलित की बेटी हो, देश की बेटी हो? देश की बेटी, देश की बेटी, देश की बेटी है, क्या करना है? हमें अपनी बेटी को देश की बेटी बनाना है। सर, देश की बेटी कैसे बनेंगे जब हम खुद ही अपने आप को दलित दलित करेंगे? यही तो अभी तक लोग नहीं समझा, बाबा साहब ने केवल भारतीय और भारतीय बनाया, प्रथम भारतीय अंततः भारतीय बनाया है, लेकिन अभी भी हम जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये बनते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो भी नागरिकता प्रदान की है भारतीय नागरिक के लिए की है, जो भी अधिकार हैं वो भारतीय नागरिक के हैं, ना किसी जाटव के, ना छवार के, नाई के, धोबी के नहीं है, वो सिर्फ अगर अधिकार हैं तो भारतीय नागरिक के हैं। आप किस आपके आप किस कैटेगरी में आते हैं? मेरे बोलना नहीं, मैं तो नागरिक हैं भारत के। आप किस कैटेगरी में आते हैं? भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक, कोई आपसे पूछे कि आपकी जाति क्या है उसको बोलिए भारतीय नागरिक है। सर, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, संजीव कुमार निगम एडवोकेट, अब मुद्दा बताएं किस मुद्दा ये जिसके ऊपर आप आज जी कर रहे हैं? अच्छा, ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि जितने अभी इससे पहले भी कांड हुए हैं उस तरफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना स्टेट गवर्नमेंट किसी ने किसी का कोई ध्यान नहीं गया, बाकी इनका ध्यान भटकाने और कोई मुद्दे तैयार कर देती है गवर्नमेंट और इनको ठंडे बस्ते में एक तरफ डाल देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, कोई मुख्यमंत्री काम नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन नहीं लेती, कोई कार्यपालिका किसी को आदेश नहीं देते, तो इसलिए हर गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान के अंदर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है, हालांकि दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक स्वर्ण जाति का एक अय्यास व्यक्ति गाड़ी के अंदर लखनऊ में रात को 10-11 बजे पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता है, उसको 50 लाख देते हैं योगी जी उसके घर पे जाके, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी देते हैं, और हमारे यहाँ चाहे दिल्ली कैंट का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे ये मामला हो, 5-5 लाख रुपए, मतलब ये क्या रोटियाँ सेक रहे हैं? रोटी सेकने की बात नहीं है, देखो इसके लिए अपनी कमी हमें माननी पड़ेगी, हमारे लोगों में एकजुटता नहीं है, हमारे लोग अपनी ताकत का एहसास नहीं कराते,
अगर कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता भी है, कोई मजबूती से अपनी आवाज उठाना चाहता, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप पिछले 40 वर्षों से सामाजिक सेवा में हैं, कमी कहाँ नजर आती है? कमी यही नजर आती है कि समाज में, हमारा समाज भी ऐसा है, जब कोई मौका आता है, मैं कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, तो उसमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करते ही नहीं है लोग हमारे। वो जो है कमजोर लोगों को चाहते हैं कि ये कमजोर व्यक्ति हमारे बीच में चला जाए, ये हमारी मुट्ठी में रहेगा। अब मुट्ठी में रख लो या कह रहा मैं अपनी आवाज बुलंद करा लो, दोनों में से एक ही बात चूज करनी पड़ेगी। 75 साल की आजादी में राजनीति जो आरक्षण है वो 150 के करीब सीटें हैं और वो फुलफिल जाती है 100%, कभी भी एक सीट कम नहीं होती। लेकिन सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, प्रतिनिधित्व है, वो कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं, वो दिखाई भी नहीं देगा। वो तो चंद लोग, आप बंदरबांट हो रही है, जो लोग सरलकाश राजनीति में भिन्न भिन्न दलों से रिजर्व सीटों से जीत के जाते हैं, तो बाबा साहब की कोटेशन है कि उन लोगों की पूंछ लंबी तो हो सकती है, मजबूत नहीं हो सकती। जब चाहे उसको तोड़ के फेंक देंगे, वो लांडा बना देंगे उसका, तो उसकी वो क्या हो, तो पैसे ही कमाने आते हैं, उनका कोई ऐसा वजू नहीं अपने समाज की बात भी उठा सके। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। राजनीतिक आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, बाबा साहब ने 10 साल के लिए कहा था, 10 साल और बढ़ा दिए, इनको तो फायदा है उससे, इनको तो फायदा है, असली फायदा इनको यह है कि इस बहाने चूतिया चुन के आ रहे हैं। मैं ये शब्द सॉरी, मैं गुलाम, गुलाम जो शब्द है वो गुलाम लोग ये चुन के जाते हैं, उसमें बोलते नहीं है, वो समाज के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे, वो तो गूंगे बहरे हैं, वो तो सिर्फ अपना तनख्वाहें लेते हैं, अपना जो है सारी सुविधाएं जो हमारे संविधान में दी गई है सांसद को या विधायक को, उसका लाभ उठाते हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी, अगर आपके आज के इस सांकेतिक धरने से कोई उधर राजस्थान के अंदर किसी तरह का कोई अगर नहीं निकलता है निर्णय, तो क्या? नहीं, देखिए, निर्णय तो निकलेगा, लेकिन हमारा अभी कुछ साथियों से बात हुई है जो बुद्धिजीवी, उन्होंने कहा कि हमने उनसे ये कहा कि भाई ये इससे तो काम चलेगा नहीं, एक ताकत का परिचय देना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे कि 10,000 की या 15,000 की भीड़ इकट्ठी करें गाजियाबाद के अंदर, दबाव प्रशासन पर बनाए, तब इनकी आँख खुलेगी। और देखिए, मैं एक बात और कहूँ, हिंसा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब तक इनको डर पैदा नहीं होगा हमारा, तब भी काम नहीं चलेगा। 10,000 की भीड़ इकट्ठा करने की बात करें, राजनीतिक मंशा तो नहीं रखते? नहीं, राजनीतिक मंशा का कोई मतलब नहीं, आप क्या रखेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, कल को नेता बन जाएंगे? नहीं नहीं, नेता तो हम आज भी हैं समाज के, हमें समाज मानता, प्यार करता, इज्जत देता है, तो हम नेता ही तो हैं। हमें वो नेता नहीं बनना जिससे चुन के चले जाए और आवाज ना उठा सके, हमें ऐसा नेता नहीं बनना, हम सड़क पे रहें, और इनके हमारा सौभाग्य है। चलिए, ये थे अशोक संत, जिन्होंने आज जालौर की घटना के ऊपर एक कैंडल मार्च निकाला है और समाज को एकत्र करने की कम से कम पहल तो की है, वरना तो ये बहुजन, जिसको हाथी जैसा समाज कहा जाता है, पूरे देश के अंदर अभी तक भी सोया हुआ है। अब फरीदाबाद की घटना के ऊपर ये समाज उठेगा, 3-4 दिन शोर मचाएगा, चिल्लाएगा, उसके बाद पुनः अपने घर जाके सो जाएगा। 6 दिसंबर को जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन आएगा, मोमबत्ती जलाएगा, फिर जाके सो जाएगा। 14 अप्रैल को दिखाई देगा, उसके बाद फिर पूरे साल आपको दिखाई नहीं देगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? बड़े तीखे सवाल मैंने अशोक संत से पूछे हैं और वो बड़ी बारीकी से, बड़ी चतुराई से उन सवालों से बच निकले हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूँ गाजियाबाद से अपने सहयोगी जुगनू गौतम के साथ, मनोज अंतानी, धन्यवाद।